हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स में सावित्री बाई फूले के बारे में। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को साइड में भी कर दिया जाए तो भी सावित्री बाई फूले के बारे में हर किसी को जानना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट जो है वो इनका योगदान रहा है हिस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे सावित्री बाई फूले की। दिस इज प्रेजेंटेड बाई मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस टाइम पे सावित्री बाई फूले जो है वो थी, जिस उस टाइम पीरियड में एजुकेशन को जो है वो बहुत प्रिविलेज्ड माना जाता था, यानी कि जो अपर कास्ट हायर कास्ट पीपल हैं उन्हीं को जो है एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन सावित्री बाई फूले ने एम्फोसिस किया सेक्युलर एजुकेशन पे, यानी कि कास्ट के बेसिस पे, मतलब किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। एजुकेशन हर किसी का बेसिक राइट है और ये एजुकेशन को इतना बेसिक मानती हैं, यानी कि जितना कि खाना पानी और रहने के लिए जगह, ठीक है। तो फूड वाटर और शेल्टर की जितनी रिक्वायरमेंट होती है एक इंसान को जीने के लिए, उतनी ही ज़रूरत जो है वो एजुकेशन की भी होती है। तो ये सेक्युलर एजुकेशन और जो नीड है प्रॉपर एजुकेशन की वो कितनी बेसिक है, ये इनकी एजुकेशन को लेके फिलोसफी रही है। शी प्रीज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि उस टाइम पे गर्ल्स की या जो वुमेन एजुकेशन है वो तो बहुत रेयर देखने को मिलती थी, ठीक है। तो उसके ऊपर भी इन्होंने फोकस किया कि बॉयज और गर्ल्स के बेसिस पे जो है ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बॉयज को एजुकेशन मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम इसकी इनकी फिलोसफी की बात करें तो इन्होंने सेक्युलर एजुकेशन पे फोकस किया कि चाहे जेंडर के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन ही क्यों ना हो, आप एजुकेशन को जो है वो बाइफर्केट नहीं करेंगे, आप सेक्युलर एजुकेशन सबको प्रोवाइड करेंगे। फिर उन्होंने इंडिया का फर्स्ट वुमेन स्कूल जो है वो पुणे में भीड़वाड़ा या भीड़वाड़ा बोल देते हैं इसको, 1848 में शुरू किया। ये क्वेश्चन जो है कि इंडिया का फर्स्ट स्कूल किसने शुरू किया और कब शुरू किया, ये कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार पेपर वन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। सो शी इज रिगार्डेड एज द फादर मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म, क्योंकि इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए और जो सोशल एविल्स उस टाइम पे थी वुमेन को लेके, उन सब के लिए जो है इन्होंने लड़ाई की और इन्होंने जंग लड़ी। उसके बाद जो है क्या हुआ, एक अलग, मतलब बेसिकली तब हम बोल सकते हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान है वुमेन एजुकेशन में स्पेशली, ठीक है, वुमेन एजुकेशन में, वुमेन एम्पावरमेंट में। क्योंकि एजुकेशन में तो सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, वुमेन एम्पावरमेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी जो जो काम इन्होंने किए। तो इनसे रिलेटेड वैसे बहुत कम जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो कुछ एक फैक्चुअल क्वेश्चन इनकी पूरी स्टोरी से, लाइफ स्टोरी जो है कि इन्होंने क्या क्या काम किए उससे आ जाते हैं, तो हम उसके बारे में चलिए बात करते हैं। 1831 में जो है इनका जन्म हुआ था, 1897 में किसी बीमारी की वजह से जो है इनकी मौत हो गई। अब जो है एट द टाइम ऑफ हर मैरिज सावित्री बाई फूले जो है वो अनपढ़ थी, इलिटरेट थी। इनकी शायद 1840 में जो है इनकी शादी हो गई थी, यानी कि बाल विवाह जो है वो इनका और ज्योतिराव फूले का हुआ था। अब इन्होंने शादी के बाद जो है, पहले ज्योतिराव फूले ने इनको घर पे पढ़ाया, उसके बाद इनकी एजुकेशन जो है वो शुरू की गई। इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो है ये रही हैं, एजुकेशनलिस्ट रही हैं, पोइट रही हैं और ये महाराष्ट्र से थी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया जो है इनको बोला जाता है। कई रिसर्चर्स जो है वो इस बात पे भी ताज्जुब करते हैं कि फर्स्ट फीमेल टीचर ये रही हैं, तो टीचर्स डे जो है वो इनके नाम पे जो है सेलिब्रेट नहीं किया जाता। शी प्लेड एन इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग वुमेन्स राइट इन इंडिया, और इसीलिए इनको मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म बोला जाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट जो है वो भी रही हैं और ये बहुत अच्छी मराठी राइटर भी रही हैं। इन्होंने बहुत, इनकी बहुत सारी पब्लिकेशंस रही हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। 18 स्कूल्स इन्होंने ओपन किए थे और बच्चों को, जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के बच्चे हैं उनको पढ़ाया था। फातिमा शेख जो है वो भी इनके साथ, इनका जो है उनका भी काफ़ी योगदान रहा है जो इम्प्रूवमेंट सावित्री बाई फूले ने किए हैं उनमें, क्योंकि उन्होंने साथ दिया था। और इन दोनों को जो है, ये जो दोनों लेडी हैं इनको वहाँ के लोकल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एजुकेशन उस टाइम पे प्रिविलेज्ड मानी जाती थी कि सिर्फ अपर कास्ट वालों को ही एजुकेशन मिलेगी, तो उस वजह से जब ये लोअर कास्ट के बच्चों को या हर जो अलग अलग कास्ट हैं उन बच्चों को एजुकेशन देने जाती थी स्कूल, तो इनको जो है वो थ्रेट
थ्रेटन किया जाता था, हरेस किया जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था, यानी कि जो गाय का गोबर है, मड है, स्टोन्स है, वो इनके ऊपर फेंके जाते थे अपर कास्ट लोगों के द्वारा, ठीक है। इसीलिए लेकिन इनके इरादे जो हैं वो इतने पक्के थे कि सावित्री बाई फूले जो हैं वो दो साड़ी लेके जाती थी, यानी कि वो अगर उनके ऊपर कुछ भी फेंका जा रहा है तो वो वहां जाके चेंज कर सकें और फिर जो है बच्चों को पढ़ा सकें। इन दो के बाद शगुना बाई जो है उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया और उन्होंने भी जो है इनके साथ वो उन्होंने भी एजुकेशन में काफ़ी जो है फिर वो भागीदारी रही उनकी। नाइट स्कूल जो है वो ज्योतिराव फूले और सावित्री बाई फूले ने शुरू किया था 1855 में, किसके लिए? एग्रीकल्चरिस्ट और लेबरर्स के लिए, यानी कि जिन जो दिन में काम करते हैं वो रात को कुछ टाइम तक जो है कुछ घंटे दो चार घंटे वो पढ़ाई कर पाए, इसलिए नाइट स्कूल इन्होंने शुरू किया था। अब ड्रॉप आउट्स जो है वो इन उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे कि अगर आपने जैसे भी अवेयरनेस फैला के बच्चों को स्कूल ले भी आए तो क्या गारंटी है कि वो पूरा टाइम पढ़ेंगे, ड्रॉप आउट जो है वो कर लेते थे। तो ड्रॉप आउट को कम करने के लिए स्टाइपेंड जो है वो देती थी सावित्री बाई फूले। और जो इनके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ऐसे लिखा था मुक्ता साल्वे, तो ये जो ऐसे है वो इनके स्टूडेंट्स के द्वारा इनके लिए लिखा गया था, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस टाइम पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो भी ये रखती थी ताकि अवेयरनेस बढ़ा सकें ये पेरेंट्स के अंदर कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। 1863 में जो है वो केयर सेंटर इन्होंने खोला। केयर सेंटर किस लिए? बाल हत्या प्रतिबंधक गृह उसको बोला गया, क्योंकि उस माना जाता है कि इंडिया में वो फर्स्ट जो है इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम जो है वो उस टाइम पे माना जाता है। और वो किस लिए था? क्योंकि उस टाइम पे जो विडो होती थी उनके बाल वाल काट दिए जाते थे, मुंडन कर दिया जाता था उनको, बिल्कुल गंजा कर दिया जाता था उसके लिए, या फिर वो विधवा है मान लीजिए और वो प्रेग्नेंट है तो उनके बच्चे को या उनकी जान को खतरा हो सकता था। रेप विक्टिम्स जो हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं उनको जो है खतरा हो सकता था कि उनको मार दिया जाएगा कलंक या कुछ भी समझ के, तो उनके लिए ये केयर सेंटर था ताकि वहाँ पे वो सेफ और सिक्योर डिलीवरी कर सकें और वो सेफ रह पाएं वहाँ। 1874 में इन्होंने एक ब्राह्मण विडो थी काशीबाई, उनका जो बच्चा था उसको अडॉप्ट किया, तो वो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है सोसाइटी को कि एक तो वो विडो हैं, यानी कि विडो के बावजूद जब उनके बच्चा हो गया तो वो क्या हुआ, उनकी रीमैरिज के लिए भी इन्होंने आगे काम किए कि विडो की रीमैरिज होनी चाहिए, उनकी जिंदगी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती वहीं पे। सती प्रथा के लिए भी इन्होंने काम किया कि एक व्यक्ति की अगर किसी भी सिचुएशन में जान चली गई है पति की तो पत्नी को उसके साथ क्यों जो है जलाया जाए और क्यों उसकी लाइफ खराब की जाए, तो वो ये जो सोशल एविल्स उस टाइम पे थी उन पे इन्होंने काम किया। ज्योतिराव जो है उन्होंने क्या किया, विडो मैरिज के लिए काम किया ज़्यादा, और सावित्री बाई फूले जो है उन्होंने चाइल्ड मैरिज या सती प्रथा जो है इनके इनको रोकने के लिए जो है वो काम किया। अब ज्योतिराव और सावित्री बाई ने जो है स्कूल स्टार्ट किया था किसके लिए, मांग महर, और ये जो कास्ट थी उस टाइम पे अनटचेबल मानी जाती थी, जो महर कास्ट है वो जो हमारे ये डॉक्टर अंबेडकर जी जो हैं वो भी महर कास्ट से ही थे, तो उस टाइम पे उनको अनटचेबल माना जाता था, तो इन्होंने उन बच्चों के लिए स्पेशली एक स्कूल जो है वो खोला था। और 1852 में जो है वो तीन स्कूल फूले जो ये हैं सावित्री बाई फूले, ज्योतिराव फूले, इन्होंने तीन स्कूल उस टाइम पे वर्किंग में थे, क्योंकि 1848 में एक वुमेन स्कूल खोला था, तो ओवरऑल मिला के 1852 में ऑपरेशन में थे तीन स्कूल, यानी तीन स्कूल चल रहे थे उस टाइम पे। और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो इनको क्या दिया था, ऑनर या फिर सम्मान भी दिया था फूले फैमिली को, प्लस सावित्री बाई फूले को बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दिया था। लेकिन ये जो स्कूल हैं ये बंद हो जाते हैं 1858 में। क्यों बंद हो जाते हैं, इसके रीजंस जो है वो क्या है, 1857 में जो 1857 की क्रांति जो रिवोल्ट हुआ था उसकी वजह से जो यूरोपियन डोनेशन आता था, प्राइवेट यूरोपियन डोनेशन स्कूल को चलाने के लिए, वो बंद हो गया था, पहली बात। दूसरी बात, ज्योतिराव फूले ने फिर क्या किया था, स्कूल्स की मैनेजमेंट कमेटी से रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि स्कूल कैसे चलेगा, करिकुलम कैसे डिसाइड होगा, तो वो जो डिफरेंस इन ओपिनियन था बाकी लोगों के साथ उस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। और तीसरा कि क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है गवर्नमेंट ने भी, जो कि यहाँ पे इनको क्या कर रहे थे, सम्मानित कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने बाद में क्या किया था, वो जो सपोर्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो विड्रॉ कर लिया था, तो ये तीनों के तीनों स्कूल्स बंद हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो ओवरऑल 18 स्कूल्स खोले, और कैसे जो है किन किन फील्ड में सावित्री बाई ने काम किया वो हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं। एक इन्होंने महिला सेवा मंडल
जो है वो भी खोला था, महिला सेवा मंडल। वो किस लिए था? वो अवेयर करने के लिए था वुमेन को, ताकि वो उनके राइट्स क्या है, उनकी जो है डिग्निटी क्या है, और अलग अलग सोशल इश्यूज क्या है, तो बेसिकली अवेयरनेस से रिलेटेड, अवेयरनेस फैला सके वो वुमेन के बीच में, तो उसके लिए इन्होंने महिला सेवा मंडल जो है वो ओपन किया था। एक और जो चीज याद रखने लायक है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विधवा हो जाती थी, विडो जो थी, उसके बाल जो है वो बिल्कुल उनको गंजा कर दिया जाता था, तो बार्बर्स की स्ट्राइक जो है वो इन्होंने अरेंज ऑर्गेनाइज करवाई थी, यानी कि इन्होंने मनाया था सभी बार्बर्स को और उनको समझाया था इस चीज से रिलेटेड। तो मुंबई और पुणे में जो है ये स्ट्राइक जो है नाई की वो की गई थी, किसके लिए? ये जो प्रिवेलिंग कस्टम था कि शेव कर दिए जाएंगे विडोज के हेड, तो उसका अपोज करने के लिए जो है ये स्ट्राइक करवाई गई थी इन्हीं के द्वारा, सावित्रीबाई फुले के द्वारा। अब ओवरऑल अगर हम बात करें, इन्होंने वुमेन एजुकेशन में काम किया, जो अदर ओप्रेस्ड क्लास हैं, उन ओप्रेस्ड कास्ट हैं, क्लास हैं, उनकी एजुकेशन के लिए काम किया, विडो रीमैरिज के लिए इन दोनों ने मिलके काम किया, चाइल्ड मैरिज, क्योंकि इन दोनों की भी चाइल्ड मैरिज ही हुई थी, सावित्रीबाई फुले और जो उनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, उनकी भी चाइल्ड मैरिज थी, तो वो और ज्यादा सिचुएशन को अच्छे से समझते थे, तो ये उसके अगेंस्ट भी इन्होंने काम किया कि चाइल्ड मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए, बाल विवाह, सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने काम किया, और इन्फेंटिसाइड के लिए वो जो केयर सेंटर इन्होंने ओपन किया था वो। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, काव्या फूले, ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो इन्होंने 1854 में लिखी थी। हमें सन याद रखने की जरूरत नहीं है कि कब लिखी थी, लेकिन काव्या फूले जो है वो सावित्रीबाई फूले ने लिखी थी, ये हमें पता होना चाहिए। कुछ एक ज्योति, जो उनके हस्बैंड थे ज्योतिराव फूले, उनके स्पीच थे, तो वो जो स्पीच रहे होंगे कॉन्टिन्यूटी में, कहीं कहीं उन्होंने भाषण दिए होंगे, वो इन्होंने एडिट किए थे 1856 में, तो वो ज्योतिराव के स्पीच जो है वो भी इन्होंने लिखी, फिर बाद एडिट किए उन्होंने। सावित्री बाईज लेटर टू ज्योतिराव, जो अपने हस्बैंड को ये लेटर लिखती थी उसके लिए, वो भी क्या है, इनकी पब्लिकेशन पब्लिश्ड है वो बेसिकली। स्पीचेस ऑफ मातोश्री सावित्री बाई, इस नाम से भी जो है एक पब्लिकेशन हुई 1892 में, और भावांकक्षी सुबोध रत्नाकर 1892 में। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो काव्या फूले ही है, वो आपको सावित्री बाई फूले और काव्या फूले, फूले वर्ड से आपको ध्यान रह जाएगा कि सावित्री बाई फूले ने ये लिखा है, तो मेजर तौर पे आपको सिर्फ काव्या फूले याद रखने की जरूरत है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट कभी पूछे नहीं गए हैं। तो ये था सावित्री बाई फूले के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए, चाहे एग्जाम आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।